नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल मैं आपके सामने रख रहा हूं। चार बड़ी पोल कंपनियां हैं, वो क्या कहती हैं, कौन जीतेगा, तो एक एक करके इन कंपनियों को बता देते हैं। सबसे पहले हम पीपुल्स पल्स की बात करेंगे। देखिए पीपुल्स पल्स किसको जिता रहा है, इसके अलावा सी वोटर्स है, CNX है, TV9, ये चार बड़ी सर्वे कंपनीज हैं, सर्वे एजेंसीज हैं। ये किसको जिता रहे हैं और किसको इनके सर्वे के हिसाब से कितनी सीटें मिलेगी वो बताएंगे। इसके अलावा जो लोकल पत्रकारों का सर्वे है उसके हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलेगी वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लें TV9 भारतवर्ष की। तो देखिए TV9 ने TMC को 146 सीटें दी है, BJP को 122 सीटें, और बाकी अन्य सीटें जो है इन्होंने कांग्रेस और CPM गठबंधन को दिया है। तो TV9 भारतवर्ष के हिसाब से यहाँ पे TMC सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। दूसरी सर्वे एजेंसी की बात करें तो आज तक और CNX का ये सर्वे है। CNX के सर्वे के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी जो है कि TMC बन रही है। TMC के खाते में 141 सीटें जा रही हैं, BJP के खाते में 135, वहीं लेफ्ट और कांग्रेस ISF गठबंधन के खाते में 23 सीटें जा रही हैं यहाँ पे। यानी देखिए CNX के हिसाब से BJP और TMC के बीच कांटे की टक्कर है, यानी कोई भी जीत सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 135 और 141, यानी बिल्कुल ही ज़्यादा का अंतर नहीं है, बिल्कुल कांटे की टक्कर जो है कि CNX के अनुसार रहेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें सी वोटर की, तो सी वोटर के हिसाब से TMC को पूर्ण बहुमत आसानी से मिल रहा है। सी वोटर के हिसाब से TMC के खाते में 160, BJP के खाते में 112, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। अगली बात करें अगली कंपनी की, देखिए पीपुल्स पल्स सर्वे एजेंसी है, और इसके हिसाब से TMC के खाते में 95, BJP के खाते में 183, कांग्रेस और वाम मोर्चा के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पीपुल पल्स के हिसाब से BJP चुनाव जीत सकती है। ये देखिए अभी हमारा सर्वे है जो हमने लोकल पत्रकारों के माध्यम से किया है, और MK इंजीनियर चैनल के माध्यम से, लोकल पत्रकारों के माध्यम से जो सर्वे किया है उसके अनुसार देखिए यहाँ पर TMC को जीत मिल रही है। TMC के खाते में 152, यानी यहाँ पे पूर्व बहुमत से कुछ 2-4 सीटें ज़्यादा मिल रही है। वहीं अगर BJP की बात करें तो BJP के खाते में 118 और लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 24। तो देखिए लोकल पत्रकारों को जो हमारा सर्वे था उस हिसाब से TMC को 152, BJP को 118 और अन्य के खाते में 24 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं।